तुम्हारा भाई बैठने वाला है यहाँ पे, आराम से लेटूंगा तो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इंट्रोडक्शन देने की अभी कोई नीड नहीं है। ये है ऋषिकेश ब्लॉक 3 और हम कहाँ पे जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं, इसको नहीं पता, मैं बताता हूँ। हम जा रहे हैं कोडियाला ब्रिज, आपका ऋषिकेश में पड़ता है। बहुत ही अच्छी जगह है, लोकेशन एकदम बेस्ट है, काफी मजा आने वाला है। काफी चीजें हम आपको आज एंजॉय करेंगे इस ब्लॉग के अंदर, और थोड़ा एक छोटा सा गाइडेंस भी देंगे कैसे कैसे जाना है। और सबसे बड़ी गाइडेंस ये है कि भाई लोगों, कभी भी यार आओ तो वीकेंड में आओ तो टाइम से आओ, जहाँ पे जाना है टाइम से निकल जाओ, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है। रश क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि चार धाम की यात्रा स्टार्ट हो जाती है, उसी की वजह से भाई यहाँ पे जो होते हैं यात्री वो काफी ज्यादा मतलब भारी मात्रा में आते हैं, इसी वजह से जाम भी रहता है। मेन मोटिव यही है बताने का चीजों का कि टाइम से आए और से अपना सारा एंजॉय करें। बाकी एक बार मैं इधर भी दिखा दूं जरा, ये हमारे साइड में देख सकते हो आप यार, कितनी भीड़ हो रही है और कैंपिंग भी चल रही है। बाकी अभी आपको एंजॉय कराते हैं, चलिए इस व्लॉग को शुरू कर दे केशव भैया, शुरू कर दो, कर दे जी, बिल्कुल। तो व्लॉग शुरू करते हैं आज का, लेट्स गो। थोड़ा सा फोटो शूट करने के लिए हम लोग रुके हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ ना ऋषिकेश से जो हम जाएंगे कोडियाला ब्रिज के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत ही ब्रिज नहीं थोड़ा सॉरी बीच के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक ब्रिज बनाया हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हो यार, काफ़ी मस्त लोकेशन है। अब थोड़ा सा उधर दिखाता हूँ मैं, एक बार व्यू चेक कराता हूँ आप लोगों को। हाय लोगो, व्यू चेक करो, भाई लोगों अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हम लोग पहुंच चुके हैं। अंकल जी कौन सी जगह है ये? बोर्ड पे लिखा हुआ है ये है जग्गू द ढाबा मैगी पॉइंट। चलते हैं नीचे और एंजॉय करते हैं। नीरज फुल एंजॉय, फुल। तो अंकल जी क्या बना रहे हो अभी फिलहाल हमारे लिए? अंकल जी बना रहे हैं मैगी की। यहाँ पे है बढ़िया सा छोटा सा अंकल जी का ढाबा, यहाँ पे आपको सारा सामान अवेलेबल मिल जाएगा। और हम इसके बाद जाने वाले हैं, अंकल जी ब्रिज का नाम क्या है नीचे? कोडियाला ब्रिज। तो ये है झूला पुल, सिंगटाली, मैगी पॉइंट, जग्गू द ढाबा, ये मैंने बता चुका हूँ। अब हम दिखाते हैं लोकेशन, नीचे जाके फुल आराम चलेगा। यहाँ पे अपने भाई लोग कर रहे हैं थोड़ा सा सम इम्पोर्टेंट डिस्कशन। भाई देख लो, तुम्हारा भाई कुछ भी कर सकता है तुम लोगों के लिए व्यू दिखाने के लिए। तो A few moments later, रास्ता कुछ नीचे जाने का ऐसा है। यहाँ पे मैंने आपको कैफे दिखाया था, अभी मैं उधर खड़ा था, अब यहाँ से जा रहे हैं। अब पूरा दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई कैसा कैसा रास्ता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है रास्ते में पहुंचने, क्योंकि रास्ता थोड़ा खराब है, मतलब इतना भी कोई खराब नहीं है अभी, जहां तक ठीक है। दिखाता हूं, अब जो इसके बाद का रास्ता आएगा ना नीचे जाने का, वो थोड़ा होगा। व्यू के लिए तो भाई जाना ही पड़ता है, हर जगह व्यू ही तो है यार जिससे मजा आता है। घूमने आते ही है, व्यू लेने तो आते हैं। अभी देखो मुँह ठीक है, सब कुछ ठीक है, बाल थोड़े से अपसेट है, ये तो चलता रहता है, लेकिन जब हम उधर से आएंगे हमारी आँख पाँख लाल मिलेंगी। दिक्कत वाली बात तो बस यही है कि शक्ल भी बिगड़ जाएगी। बाकी अब जो रास्ता है इसके बाद का फिसलने वाला, वो दिखाता हूँ। मेरी बात पे यकीन ना हो तो भाई लोगों, देख सकते हो कि हम कैसे रास्ते से गुजर के आए हैं और भाई आगे कैसा रास्ता है। मतलब रास्ता नहीं है एक तरीके से, हाँ कोई भी चीज जहाँ से हम जाए वो रास्ता ही होता है, लेकिन ये रास्ता नहीं लग रहा मेरे को। आफ्टर अ वेरी डिफिकल्ट डे, सॉरी पाथ अवे, जो भी आप समझो, आ गए हम। अभी वो लोग देखो कितने पीछे हैं, और हेवन ये रहा। और अब आने वाला है ब्रिज, ब्रिज का नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं अब दिखाऊंगा आपको एक बहुत ही सुंदर और पुराना ब्रिज जो कि गंगा नदी को क्रॉस कर रहा है, गंगा जी को। तो चलिए देखते हैं उसको। हेलो आंटी, आंटी टाइम हो रहा है 12। हाँ जी, YouTube पर मेरा ब्लॉग। भाई लोगों सारी चीज ठीक है, लेकिन यार मतलब इतनी अच्छी जगह घूमने आते हैं, मतलब क्या यार लोग क्यों गंदा करते हैं यार ऐसे, मतलब यार ये कोई बात नहीं है, गलत है ये, इतनी अच्छी जगह को स्पॉइल करते हैं यार क्यों, मतलब यहाँ पे भी आके क्या आप क्यों पीना है ऐसे। तो गाइस इस जगह की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे अभी तक बहुत ही कम लोग आए हैं अब तक, और जो भी जानकारी है पूरे ब्लॉग में दे दूंगा, जो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा वो मैं घर जाके देख लूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मैं बता दूंगा कि
कि भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सारी चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भैया लोगों बहुत सारी मेहनत के बाद फाइनली उधर से आए हम, उधर से ऐसे पूरा रास्ता लेके इधर आ गए हैं। लोकेशन चेक आउट। भाई लोगों रेत इतना ज्यादा तप रहा है। ये है यहाँ पे कुंडियाला बीच आपका ऋषिकेश के अंदर। देख रहे हो भाई है मैंने यार ऋषिकेश के अंदर। यार कौन कहता है ऋषिकेश ही क्यों जाते हो, बहुत सारी जगह है भाई ऋषिकेश में घूमने की, घूमो यार। फाइनली आ गए हैं यहाँ पत्थरों पे। एक तो ये है जगह नहाने के लिए और एक उधर है नहाने के लिए जगह। तो भाई काफी लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ मैंने बताया था कि शाम को आते हैं। बाकी थोड़ी भाई विंड नॉइज हो तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज, सॉरी फॉर दैट। मैं भी आ गया हूँ और मैं यहाँ बैठने वाला हूँ इस वाले पत्थर पे और इंजॉय करूंगा नेचर। यार इतना मजा आया फुल एकदम, हमने वहाँ पे पत्थरों पे एंजॉय करा कपड़े उतार के सारी तरीके से और इधर स्विमिंग भी करी थोड़ा। इधर की तरफ थोड़ा ज्यादा गहरा है तो हम नहीं गए थे, सही बात है भैया। तो आपको कैसा लगा? बढ़िया, फुल मजा आ गया ना एकदम। कुछ कहना चाहोगे? कुंडियाला बीच भाई ऑसम प्लेस है। जो बात है भाई जो बोलते हो लोग यार, यहाँ पे काफी सारे वेडिंग सूट्स वगैरह मैंने बताए थे होते हैं। बाकी एक बार कैसा भाई, एक बार बताओ जरा कैसा लगा था, आ जाओ कैसा लगा, क्या होगा मजा नहीं आया? भैया को मजा नहीं आया, देखो भाई हमें मजा आया और अपना भाई उधर भी बढ़िया मस्त मजा है। एक बार नीरू तू भी बता दे तेरे को कैसा लगा भाई? फन हुआ बिल्कुल एकदम एडवेंचर की तरह है। एक बार जरूर आए ऋषिकेश में विजिट करने, है ना ब्रो? हाँ ये देख सकते हो लोग, ठीक है ब्रो। लो तो अब जरा एंडिंग कर दे एक बार। सो एंड में यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को थोड़ा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और अभी 7000 फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पर, थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। इंस्टाग्राम आईडी बाय बाय, इंस्टाग्राम आईडी तो यार इन सबको पता ही है। जो कि दिखाने वाले हैं हम आज।